नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आया हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटर डेमी एडमिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, इंटर डेमी एडमिट कार्ड 2021 का आज जारी होगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है बिहार बोर्ड की तरफ से। और 12वीं परीक्षा 2021 के डेमी एडमिट कार्ड 5 नवंबर तक करेक्शन करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। चलिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको अपडेट दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे आज 30 अक्टूबर हो गए हैं 2020। के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू जन है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा। तो सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आया हुआ है इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा सभी छात्र हित में। यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों के लिए दोस्तों ये पूरी मैसेज दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो चलिए पूरी मैसेज आपको पढ़ के बताते हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले बात को समझिए, बिहार बोर्ड इंटर डेमी एडमिट कार्ड 2021। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए, जी हाँ दोस्तों, डेमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं डेमी एडमिट कार्ड 2021 कल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है आपको, ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसी पर जारी किया जाएगा। आसानी से छात्र 5 नवंबर तक डेमी एडमिट कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। और इस बार स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा स्टूडेंट्स खुद भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ही आपको डाउनलोड करके आपको देगा, ठीक है ना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात और बता दिया जाए कि पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि स्कूलों के प्रिंसिपल अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए सभी स्टूडेंट के डेमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और उन्हें स्टूडेंट को सौंपेंगे। और प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करेंगे कि डेमी एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल्स चेक कर ली जाए और अगर कोई त्रुटि है तो 5 नवंबर तक उसमें सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके डेमी एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का त्रुटि है तो सुधार कर सकते हैं। आपको बता दीजिए कि स्टूडेंट यू डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस वेबसाइट के जरिए से अपना डेमी एडमिट कार्ड। सभी लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आसानी से आज आप लोगों का जारी हो जाएगा डेमी एडमिट कार्ड। ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से कैसे आपको क्या करना है चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पर, या तो कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू भी आप मांग सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको डेमी एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। डेमी एडमिट कार्ड ऑप्शन वाला दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक नया पेज खुलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि और स्कूल कोड संख्या आपको डालना होगा, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, स्कूल कोड संख्या डालने के बाद सबमिट वाले, नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अपना आपका डेमी एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। यदि अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करके सेफ रख लीजिएगा कि आपको काम आएगा आगे करके, ठीक है। और भी जान लेते हैं, बिहार बोर्ड ने कहा है कि स्टूडेंट डेमी एडमिट कार्ड पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कोटि, लिंग, विषय, जन्मतिथि, फोटो एवं हस्ताक्षर यदि अच्छी तरह चेक कर लें। अगर उसमें कोई भी करेक्शन करवाना है तो, जैसे कि किसी भी तरह का अगर त्रुटि है तो उसकी एक प्रति अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भेज दें। और आपको बता दें, जैसे कि एक त्रुटि मतलब एक उसका फोटो कॉपी कॉपी करके आप उसको अपने प्रिंसिपल को भेज दीजिएगा। अब आपके डेमी एडमिट कार्ड में 5 नवंबर तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। मतलब जब प्रिंसिपल को आप एक उसका कॉपी करके दे दीजिएगा तो जो भी उसमें त्रुटि होगा वहाँ पर आपको 5 नवंबर तक करेक्शन हो जाएगा और अच्छी तरह मतलब सुधार कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा 11 से 19 नवंबर, देख सकते हैं 11 से 19 नवंबर तक आप लोगों का चलेगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मुख्य परीक्षा से पहले अगर देख सकते हैं अगले माह नवंबर में 11 से 19 नवंबर तक सेंटअप परीक्षा होगी। जो छात्र सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होंगे। सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दिया जा रहा है कि अच्छी तरह छात्र स्टूडेंट समझ सकें, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह रहेगा, इससे छात्रों को प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सेटअप परीक्षा के प्रायोगिक परीक्षा भी बोर्ड द्वारा ली जाएगी। परीक्षा लेने के बाद मूल्यांकन और रिजल्ट स्कूल स्तर पर तैयार किया जाएगा। देख सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा के पहले ही जनवरी में ले ली जाएगी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संदिग्ध परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो सो गाइस यार, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं जो है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, सभी छात्र इसमें शेयर करना मत भूलिएगा। यार हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए बिहार बोर्ड की तरफ से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हर तरह के सिलेक्शन पाइए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं जो रहा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए,
कि हर तरह का जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका मैसेज, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।